रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो डेथ ऑफ अर्तुगरुल गाजी विद फ्लैशबैक्स ओ ग्रेट बाय एडेक्स जोन सो फ्रेश स्टार्ट हेलो आई एम मोनाली नायक वेलकम टू माय चैनल रखने वाली मोना और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल सो लेट्स गो तुम्हारा बेटा उस्मान तुम्हारी तकदीर बदल देगा इंशाल्लाह इसकी सल्तनत बहुत पले फूलेगी पूरी दुनिया में अल्लाह की खुशनूदी और जिहाद का परचम बुलंद करेगी Gözleriyle bakacağım ve bu zorla onun imanıyla yürüyeceğim. İnsan samışta ek sen kucuz bir ihtiyar. Kabhi dolat ke piche baba, to kabhi shohrat ke piche. Nadan hai, nahi janta ke ye sab kuch beimani aur fana ho jane wala. किसी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था वो थे बंसी बिकॉज है ना अपना बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ इतने मेमोरी स्पेंड किए जी जान मतलब सब जान ही वो है उनको कंधा देना द एंड
एंड मोमेंट आपने देखा होगा जिस तरीके से वो ऐसे मुंडी ये कर रहे थे, मतलब उनके फेस पे जो एक अलग ही दर्द वाला एक्सप्रेशन था और अलग ही फील था वो लिटरली फील हुआ मुझे। एंड ऑफ कोर्स उनके बेटे को भी बहुत बुरा लगा, बट मैं एक फ्रेंड के इससे बात कर रही थी एंड तो उनको सडन डेथ आई, इट मींस अर्तुगरुल गाजी को जो है वो सडन डेथ आई बिकॉज ऑफ सम मतलब ऐसी बिकॉज ऑफ एज वाली चीज, बीमार या कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी। आप मुझे अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ कर दो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बता दो। आई एम जस्ट आस्किंग, तो इट इज लाइक ऑल ऑफ सडन वो बैठे हैं, एवरीबॉडी गेट शॉक और सब लोग उनके पास जाते हैं एंड देन थोड़ी देर बाद लाइक माई गॉड वहां पे सब लोग कितने शॉक हुए होंगे सीरियसली। और फ्लैशबैक्स भी ऐसे बच्चा, पहले बच्चे के बारे में सारी चीजें थी, आई मीन उस्मान गाजी के बारे में सारी चीजें थी दैट वो बहुत ज्यादा पावरफुल, वो और भी ज्यादा चीजें करेंगे सबके लिए एंड ऑल दैट, सो विच इज वाओ वो अच्छा लगा। उसके बाद फ्रेंडशिप, मैं तो हमेशा इनकी फ्रेंडशिप देखती हूँ, मैं थोड़ी सी अंदर से इमोशनल हो जाती जिस तरीके से उसको दिखाई दिया गया है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि अब तक तुर्गुत की एंट्री क्यों नहीं हुई है, लाइक आई गेस मेरे जैसे इतने सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि जब उस्मान गाजी एंट्री ऑफ तुर्गुत, उस्मान गाजी ऐसा कोई सीन हो या उस्मान गाजी में तुर्गुत का कोई ऐसा सीन हो जिसपे हम रिएक्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैंने सुना है मेरे कमेंट सेक्शन में कि वो बहुत सालों तक जिए हैं, इवन ही फॉट विद मतलब इनके साथ भी थे, वो बेटे के साथ भी उन्होंने बहुत सारे आगे तक लेके गए एंड ऑल दैट, बट क्यों नहीं दिखाया वो नहीं पता। एंड बहुत से लोग बोलते हैं वो नहीं आएंगे, कोई कोई लोग बोलते नहीं उनकी आगे कोई एपिसोड में है उनकी एंट्री एंड एवरीथिंग, सो डोंट नो व्हाट, बट बहुत लोगों की एक्साइटमेंट होगी ऑफकोर्स। थोड़े टाइम के लिए तुर्गुत दिखाया है, फिर जिस तरीके से वो लोग एंजॉय हो रहे हैं, कभी कभी लगता है ये सीन मैंने देखा ही नहीं है। बहुत से लोग इंजर हुए, आगे सारे के सारे दोस्त इंजर हुए, वो लोग इतने दिल से रोए हैं। देयर इज अ सीन राइट जहाँ पे तुर्गुत को भी पॉइजन किया था या कुछ ऐसे किया था राइट, तो कैसे अपने दोस्त का जितना जिसका माइंड टोटली डाइवर्ट हो चुका है उसको वापस एक बार ले आना, इतना प्यार करना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो उनकी दोस्ती जो है फैंटास्टिक। अब मैं बात करना चाहती हूँ उनकी लव लाइफ के बारे में, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, जो उनकी वाइफ है शी इज वेरी ब्यूटिफुल इन दिस ये वीडियो में। एंड आई डोंट नो मच अबाउट लव स्टोरी, ऐसा कुछ दिखाया नहीं है कि हाउ दे मेट, वो उनका डेथ पहले हुआ है वाइफ का, पहले हो गया है आई डोंट नो, पूछ रही हूँ मैं आपको, पहले हुआ है बाद में हुआ है वो नहीं है, क्योंकि वहां पे अभी सब लोगों की एज हो चुकी है तो सब लोगों का मेकअप और सब कुछ थोड़ा बहुत हल्का क्यों ना चेंज हो चुका है, दैट्स द रीजन मैं गेस नहीं कर सकती हूँ। पर उनकी मामा भी दिखाई दी गई है, इट वॉज इमोशनल सीरियसली विद द म्यूजिक। मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ एडेक्स जोन को, आप जिस तरीके से एडिट करते हैं इट इज सुपर फैंटास्टिक, बट आई गेस अभी कोई नए ऐसे कोई एडिट्स नहीं आ रहे उनके तरफ से, पता नहीं कि ये तो पुराने हैं और आप लोग मुझे सजेस्ट तो कर ही रहे हो, तो अच्छा कोई सजेस्ट करो जिससे व्यूज भी मिले, जिससे ज्यादा लोग वीडियो देखे, ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, ऐसा कुछ मुझे सजेस्ट करो, मैं उस पर जरूर रिएक्शन लेके आऊंगी। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 10K व्यूज तक पहुंचाओ ताकि मैं नया वीडियो जल्दी लेके आऊं, प्लीज जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाकी परत मियालिक्स।